इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब पृथ्वी पर रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे। हालांकि हम इंसानों ने इतने कम टाइम में अपने आप को काफी डेवलप कर लिया था, लेकिन पृथ्वी का वातावरण और ग्लोबल वार्मिंग कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसीलिए अब सारे इंसान पृथ्वी को छोड़कर अलग अलग प्लैनेट पर अपना घर बसाने लगे थे। अब इंसान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर चले गए होते हैं रहने के लिए। ये इंसानों के लिए एक पूरी सोसाइटी बन चुकी थी, लेकिन रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए उन सभी ग्रहों के बीच एक डील होती है, जिसमें कि सभी को मिलाकर अलायंस ग्रुप को क्रिएट किया गया था, जो इन प्लैनेट्स के लोगों को कंबाइन करके रखेगी और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाएगी। धीरे धीरे अलायंस ग्रुप इतना बड़ा हो जाता है कि कोई भी उनके रूल्स को अनफॉलो ही नहीं कर सकता था। अब हमें यहाँ अलायंस ग्रुप के अंदर रिवर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर कई सारे वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल रिवर एक ऐसी लड़की थी जिसके पास साइकिक पावर्स होती है, यानी कि वो अपनी एबिलिटी यूज करके आसपास के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये सारी बातें बड़े आराम से पढ़ सकती है। और रिवर ने यहाँ गलती से अलायंस के कुछ लोगों का दिमाग पढ़ लिया था, इसीलिए सोल्जर्स रिवर को पकड़कर उसकी सारी यादें मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी जो दूसरे लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अब उस जगह पर रिवर का भाई आकर बड़ी चोरी चुपके तरीके से अपनी बहन रिवर को छुड़ा के लेके चला जाता है। अब दूसरी तरफ अंतरिक्ष की गहराइयों में हमें सेरेनिटी नाम का एक स्पेसशिप दिखाई गई थी, जिसके अंदर माइक नाम का एक कैप्टन होता है जो अपनी पूरी टीम के साथ अलग अलग जगहों पर घूमता और बैंक में चोरियां करता। माइक ने तो अपनी टीम के अंदर रिवर को भी शामिल किया होता है, क्योंकि उसे आइडिया था कि रिवर के पास एक और एबिलिटी है जिसमें कि उसे खतरे होने का अंदाजा पहले ही लग जाता था, और ये एबिलिटी माइक और उसके दोस्तों के बड़े काम आ सकती है। और अब इसी तरीके से माइक रिवर और अपने पूरे आदमियों के साथ एक बैंक में आ जाता है और वहाँ के लोगों को बंदी बना के चोरी करने चला जाता है। रिवर ऊपर की तरफ मौजूद थी, वहीं माइक अपने दोस्तों के साथ बेसमेंट में जाकर सारे पैसे ले रहा होता है। तभी अचानक रिवर जमीन पे गिर के बेहोश होने लगी थी। वो बताती है कि हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि नरभक्षी आ रहे हैं। माइक को जब ये पता चला तब वो सारे पैसे लेकर जल्द से जल्द अपनी टीम के साथ सेरेनिटी स्पेसशिप में बैठकर वहां से जाने लगता है। पर तब तक वो सारे नरभक्षी जिन्हें की क्रीपर्स कहा जाता था, वो तो अपनी खतरनाक स्पेसशिप लेकर माइक का पीछा करने लगे थे। क्रीपर्स तो अपने स्पेसशिप में मौजूद हाईटेक गन्स को लगातार चला रहे होते हैं, जिससे कि माइक की स्पेसशिप को डैमेज पहुंच सके। कुछ क्रीपर्स तो उनका पीछा करके सेरेनिटी स्पेसशिप के अंदर घुस गए थे, पर माइक का अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। उन सभी ने एक साथ हमला करके क्रीपर्स को मार के बाहर फेंक दिया था, और अब वो सब सेरेनिटी स्पेसशिप को बचाते हुए अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर आ जाते हैं। यहाँ रिवर का भाई माइक के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन रिवर की जान खतरे में पड़े, और अगर रिवर माइक के साथ रहेगी तब माइक उससे चोरी करने के लिए ये काम कराता ही रहेगा। इसीलिए रिवर के भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम उसे चोरी का हिस्सा दे देना और हम दोनों पास ही वाले स्टेशन पर उतर जाएंगे। माइक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, वो रिवर और उसके भाई से जबरदस्ती तो करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर माइक की एक टीम मेंबर बता रही थी कि अगर रिवर इस तरीके से आजाद घूमेगी तब अलायंस के लोग उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, यानी कि एक तरीके से रिवर की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अभी पास ही में बहुत ही बड़ा स्टेशन आने पर रिवर और उसका भाई उतरकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ माइक भी रिवर की सेफ्टी के लिए उसका पीछा करने लगता है। वो तीनों चलते चलते एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे कर रहे थे। माइक भी टेबल पर बैठकर ड्रिंक्स पीता है और रिवर पर नजर रखता है। रिवर तो यहाँ उस क्लब में जाकर काफी मजे कर रही थी, और तभी उसकी नजर एलईडी स्क्रीन पर चल रहे एडवर्टाइजमेंट पर जाती है, जिसकी कुछ ही देर बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। रिवर अब पता नहीं क्यों वहाँ पर मौजूद कई सारे लोगों को मारने लग जाती है, जैसे कि उसका अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल ही नहीं। रिवर का भाई अपनी बहन का ये रूप देखने पर तुरंत उसके पास आता है और उसके कान में कुछ कोड वर्ड कहता है। कोड वर्ड सुनने के बाद रिवर तुरंत ही बेहोश हो गई थी। माइक भी उस जगह पर आ चुका होता है, जिसने रिवर को उठाकर उसके भाई से कहा कि फिलहाल के लिए तुम मेरे स्पेसशिप में चलो, जो पूरी तरीके से सुरक्षित थी। इसीलिए अब वो लोग सेरेनिटी स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। माइक ने यहाँ रिवर के भाई से पूछा कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी बात कही जिससे कि रिवर बेहोश हो गई। तब जाकर माइक सारी सच्चाई उनके सामने लाता है। वो बता रहा होता है कि जब रिवर को
साइंस के लोगों ने पकड़ रखा था तब वो उसके दिमाग के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करते और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट्स के कारण रिवर कभी अपना कंट्रोल खो बैठती थी, जिसमें कि वो अपने चारों तरफ मौजूद सभी इंसानों पर हमला करने लग जाती और रिवर को पूरी तरीके से शांत करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कोड वर्ड बनाया जिसे बोलते ही रिवर एकदम अनकॉन्शियस हो जाएगी। और माइक ने तो यही कोड वर्ड रिवर के कान में बोला था। माइक अब एक हैकर की मदद से उस क्लब की वीडियो फुटेज को डीकोड करने के लिए कहता है। हैकर लगातार उन सभी का काम करने लग गया था। उस देर बाद पता चला कि उस एडवर्टाइजमेंट को अलायंस के लोगों ने ट्रिगर किया था जिसके अंदर एक कोड छुपा होता है और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ रिवर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए की गई थी। यानी कि अब अलायंस के लोगों को उनकी लोकेशन के बारे में पता होता है कि वो सब कहां जा रहे हैं। इसीलिए माइक ने डिसीजन लिया कि वो रिवर की प्रोटेक्शन के साथ साथ अपनी टीम को भी बचाने के लिए एक दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे जो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। माइक तो अपनी सेरेनिटी स्पेसशिप को जल्द से जल्द हेवन नाम की एक बहुत ही बड़ी प्लेनेट पर लेकर आ जाता है। ये प्लेनेट हमारे सौर मंडल से कुछ ज्यादा दूर नहीं होता पर ये पूरी तरीके से सेफ था। माइक की पूरी टीम वहाँ पर शेफर्ड नाम की एक दूसरे आदमी से मिलती है जो उन सभी को प्रॉपरली रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि माइक और उसकी टीम इस प्लैनेट पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें अलायंस का एक ऑफिसर दिखाया जा रहा था जो लगातार अपने आदमियों के साथ क्लब की फुटेजेस देखता है। ऑफिसर को ये तो पता चल चुका था कि रिवर माइक के साथ है, इसीलिए अब अलायंस के लोगों का पूरा ध्यान माइक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हेवन प्लैनेट पर माइक को उसकी एक बहुत पुरानी फ्रेंड जिसका नाम इनारा था उसका वीडियो कॉल आता है जो कह रही थी कि मुझे किसी भी हालत में तुमसे मिलना है। अब यहाँ माइक को शक तो हो गया था कि शायद से इन सारी चीजों के पीछे अलायंस के लोगों का कुछ चाल होगी, पर फिर भी उसे एक बार जाके चेक करना ही पड़ेगा उसकी फ्रेंड मुसीबत में है कि नहीं। माइक तो अपना भेष बदल के इनारा के पास चला जाता है पर शायद माइक का अंदाजा सही निकला। थोड़ी देर बाद वहाँ तुरंत अलायंस का ऑफिसर आ जाता है जो माइक को पकड़कर उस पे हमला करने लगा था। माइक भी ऑफिसर को काफी टक्कर देता है लेकिन ऑफिसर तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। तभी इनारा ने माइक को बचाने के लिए वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट किया जिससे कि अलायंस के ऑफिसर और उसके आदमी डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इनारा माइक को लेकर जल्द से जल्द उस जगह से निकल कर सेरेनिटी स्पेसशिप में आ जाती है और माइक ने तो अपनी सेरेनिटी स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से हेवन प्लैनेट की तरफ पहुंचा दिया था। माइक तो अलायंस के लोगों के जाल में फंसने से बाल बाल बचा था। अब यहाँ रिवर को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे जिसमें कि रिवर एक प्लैनेट को देख रही थी जहाँ के सारे लोग मारे जा चुके थे। वहाँ के रहवासी तो पूरी तरीके से स्केलेटन बन चुके होते हैं। अब यहाँ माइक की टीम में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे पता था कि जब तक रिवर उनके साथ है अलायंस उनका पीछा छोड़ेगी नहीं और अलायंस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो क्रिमिनल के साथ साथ उनके बेगुनाह साथियों को भी मार देते थे। तो इसीलिए माइक का वो टीम मेंबर बहुत ही ज्यादा घबरा कर डायरेक्टली चला गया था रिवर को मारने के लिए क्योंकि ना तो रिवर रहेगी और ना ही अलायंस उनका पीछा करेंगे। बट ये सारी बातें रिवर को पहले से पता थी उसकी एबिलिटी के कारण। रिवर तो ऊपर की तरफ छुप गई होती है उस आदमी से बचने के लिए और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिवर ने उस आदमी के सर पर वार करके उसे रूम में बंद कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनने पर माइक और उसके सभी साथी वहां पहुंच चुके थे लेकिन वो दरवाजा पूरी तरीके से लॉक होता है जिसके अंदर वही आदमी बेहोश पड़ा था। हालांकि सभी लोग रिवर को आवाज दे रहे थे कि वो दरवाजा खोले लेकिन वो तो शायद अपने जिद पर अड़ी थी और मानती ही नहीं। माइक और उसके दोस्त कोई और भी ट्राई करने चले गए थे कि कमरे के अंदर कैसे इंटर किया जाए लेकिन जब यहाँ रिवर के भाई ने उसे बाहर आने के लिए कहा तब वो बाहर आ जाती है लेकिन पता नहीं क्यों रिवर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपने भाई को ही मारना स्टार्ट कर दिया था। रिवर तो उसे बेहोश करते हुए डायरेक्टली कंट्रोल रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पर रिवर किसी मिरांडा नाम के प्लैनेट के बारे में सर्च कर रही थी। यानी कि रिवर को किसी भी तरीके से मिरांडा प्लैनेट पर जाना था। माइक को लगता है कि रिवर को जरूर कोई खतरनाक विजन आया है जिसकी वजह से वो मिरांडा नाम के प्लैनेट के बारे में बोल रही है। इसीलिए अब माइक ने अपने सभी साथियों के साथ डिसीजन लिया कि वो मिरांडा प्लैनेट पर जाकर एक बार चेक करेंगे लेकिन मिरांडा प्लैनेट तक पहुंचना इतना भी आसान काम नहीं था क्योंकि मिरांडा प्लैनेट के चारों तरफ उन्हीं सारी क्रीपर्स यानी कि नरभक्षी की सेना मौजूद होती है जो अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करती थी। यहाँ तक कि अलायंस ग्रुप वाले भी उस प्लैनेट पर जाने से डरते हैं लेकिन अब माइक को किसी भी हालत में पता करना था कि रिवर ने उस प्लैनेट का नाम क्यों लिया।
मिरांडा प्लैनेट पर जाने से पहले माइक की पूरी टीम हेवन प्लैनेट पर सेफर्ड से मिलने चली आती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो सब पूरी तरीके से शॉक हो गए थे क्योंकि किसी ने हेवन प्लैनेट के लोगों को जान से मार दिया था। उन लोगों में तो सेफर्ड भी शामिल होता है। हेवन प्लैनेट के चारों तरफ बहुत ही बड़ी तबाही हो चुकी थी। माइक जल्द से जल्द सेफर्ड के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सेफर्ड ने कहा कि तुम सभी के जाने के बाद अलायंस के ग्रुप वालों ने हमारे ऊपर हमला किया और सारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दिया। माइक को तो अलायंस ग्रुप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी माइक को अलायंस ग्रुप के ऑफिसर का वीडियो कॉल आता है जो बोल रहा था कि तुम रिवर को जिस जिस प्लैनेट पर लेके जाके छुपाओगे हम उस प्लैनेट के सारे रहीवासियों को मौत के घाट उतार देंगे, और अगर तुम प्लैनेट के अंदर शांति बनाना चाहते हो तो रिवर को हमारे हवाले कर दो। लेकिन माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसे पता होता है कि रिवर ने जरूर मिरांडा प्लैनेट पर कोई सीक्रेट देखा था, इसीलिए माइक ने डिसीजन लिया कि वो मिरांडा प्लैनेट पर जरूर जाएगा। माइक जब अपनी टीम को मिरांडा प्लैनेट पर जाने के लिए बुलाने आया तब ये शॉकिंग बात पता चलती है कि कोई भी टीम मेंबर माइक का इस मिशन में साथ देने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो सब अलायंस ग्रुप के लोगों से बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। लेकिन यहाँ माइक ने सभी को समझाया कि मिरांडा प्लैनेट पर जाने से हमें अलायंस के सीक्रेट के बारे में पता चल सकता है और रिवर को तो इन सारी चीजों के विजन्स भी आए थे। बहुत ज्यादा समझाने के बाद आखिरकार माइक के बाकी टीममेट्स उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए होते हैं। वो सब तो अब एक साथ मिलकर मिरांडा प्लैनेट की तरफ निकल पड़े थे। मिरांडा प्लैनेट पर जाने से पहले माइक की पूरी टीम ने सेरेनिटी स्पेसशिप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। वो अपने स्पेसशिप को नरभक्षियों की स्पेसशिप जैसा कलर कर देते हैं जिससे कि नरभक्षियों को पता ना चले कि वो वहाँ पर आ चुके हैं। अब कई घंटों तक अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हुए वो सब मिरांडा प्लैनेट के ऑर्बिट में पहुँच चुके थे, जहाँ वो देखते हैं नरभक्षियों की एक बहुत ही बड़ा ग्रुप जो पूरी तरीके से अंतरिक्ष में फैला हुआ था। माइक और उसकी टीम अपनी स्पेसशिप लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने अपनी स्पेसशिप को ऐसा बना लिया था कि नरभक्षी उन पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए वो सब नरभक्षियों से बचकर मिरांडा प्लैनेट की तरफ चले जाते हैं। प्लैनेट पर लैंड होने के बाद माइक की टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी क्योंकि इस प्लैनेट के रहीवासी भी किसी अनजान तरीके से मर चुके होते हैं। सभी की बॉडी एकदम से पतली होकर सिकुड़ गई थी। किसी को भी रीजन पता नहीं चलता कि आखिर इन लोगों की मौत हुई कैसे, क्योंकि उन्हें वहाँ के रहीवासियों के बॉडी पर किसी भी तरीके के हमले का निशान दिखाई नहीं दे रहा था। ये वही सारे विजन्स होते हैं जिसे कि रिवर ने कुछ समय पहले देखा था। अब माइक की पूरी टीम एक लेबोरेटरी में आ जाती है जहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करने पर लेडी का होलोग्राम ऑन होकर उन्हें कुछ बताने लगा था। वो लेडी कह रही थी कि सालों पहले अलायंस ग्रुप वाले हमारे प्लैनेट पर आकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमारा प्लैनेट भी बाकी प्लैनेट की तरह एकदम हरा भरा हुआ करता था और सभी लोग काफी मजे से रहते थे, लेकिन अलायंस ग्रुप वालों ने एक एक्सपेरिमेंट के चलते पूरे प्लैनेट के ऊपर एक ऐसी अनोखी लिक्विड डाल दी जिससे कि लोगों के दिमाग का स्ट्रेस लेवल कम हो सके। लेकिन इस लिक्विड का प्लैनेट के रहीवासियों पर बहुत ही बुरा असर हुआ। लोगों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ने के बाद वो काम करना ही बंद कर देते हैं। उनके मन से सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। उन लोगों ने अपनी जिंदगी जीने का सारा मोह त्याग दिया था। इस तरीके से हमारे प्लैनेट के 50 मिलियन लोग मारे गए और जो 5% लोग बच गए थे उसके ऊपर इस दवा ने कुछ अजीब तरीके से असर किया। वो सब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगा। ये 5% लोग और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक क्रीपर्स थे जो अब ब्रह्मांड में फैलकर आने जाने वाले लोगों को मार देते थे। माइक को ये भी समझ में आ जाता है कि शायद से रिवर ने अलायंस ग्रुप के लोगों का दिमाग पढ़ लिया था और उसमें यही सारी बातें छिपाई गई होंगी, इसीलिए रिवर उनका ये गहरा राज किसी और को न बता दे। तभी अलायंस ग्रुप वाले रिवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। अब अलायंस ग्रुप के इतने बड़े अपराध के कारण माइक ने डिसीजन लिया कि वो इस लेडी के सारे वीडियो फुटेजेस जो कि अलायंस ग्रुप के अगेंस्ट थे वो पूरे ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट कर देगा जिससे कि अलायंस ग्रुप का पर्दाफाश हो और सारी सच्चाई लोगों के सामने आए। माइक तो अपने हैकर को बोलकर ये सारे काम करवाने वाला था, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि उस हैकर के पास अलायंस ग्रुप का ऑफिसर आ चुका है जो उससे माइक के बारे में सब कुछ पूछ रहा था। हैकर तो माइक को धोखा देते हुए अलायंस को ये कह रहा था कि मैं माइक का तुम्हें पता बता दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे काफी सारे पैसे चाहिए। अलायंस ग्रुप का ऑफिसर इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है, इसीलिए उसने अपना वेपन निकालकर हैकर को जान से मार दिया था। ऑफिसर ने अब हैकर के सिस्टम की मदद से पता लगा लिया था कि माइक कहां पर मौजूद है, इसीलिए वो अपनी सेना लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। वहां माइक अपनी पूरी टीम के साथ मिरांडा प्लैनेट से निकल ही रहा होता है पर तभी नरभक्षियों की सेना ने उन्हें देख लिया था।
जो लगातार उनके ऊपर हमला करने के लिए पीछा करने लगती है। माइक जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप को लेकर दूसरे प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगा था, पर अब उनके ठीक सामने अलायंस ग्रुप के भी लोग मौजूद होते हैं। अलायंस ग्रुप वालों ने देखा कि सेरेनिटी स्पेसशिप के पीछे नरभक्षियों की सेना भी मौजूद है, इसीलिए अब माइक अपने स्पेसशिप को अलायंस ग्रुप से बचाते हुए दूसरी तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि अब एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है जहां नरभक्षी अलायंस के लोगों पर हमला करने लगे थे, क्योंकि वो नरभक्षी किसी के भी सगे नहीं होते, वो सामने आने वाले सभी को मार देते थे। हालांकि माइक इन सारी चीजों से बचता हुआ दूसरे प्लैनेट की तरफ निकल गया था जहां पर हैकर रहता है, लेकिन जब माइक हैकर की लेबोरेटरी में पहुंचा तब उसे पता चलता है कि हैकर मारा जा चुका है, साथ ही साथ हैकर की पूरी मशीन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। माइक समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार वो इस मैसेज को गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा। तभी हैकर द्वारा बनाई गई एक फीमेल रोबोट माइक को ये बता रही होती है कि बेसमेंट में एक मशीन है जो वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के काम में आ सकती थी, इसीलिए माइक तुरंत ही बेसमेंट की तरफ चला गया था उस मशीन को यूज करने के लिए। डरा देने वाली बात ये होती है कि अब अलायंस ग्रुप का ऑफिसर भी हैकर की लेबोरेटरी में आ चुका था, जिसने कि उस फीमेल रोबोट के मुंह से निकलने वाले मैसेज को सुन लिया होता है, और अब वो तुरंत ही माइक के पीछे बेसमेंट में चला गया। यहाँ माइक की पूरी टीम भी लेबोरेटरी के अंदर जाने लगती है, लेकिन उन सभी के पीछे क्रीपर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना लगी हुई थी जो लगातार उन सभी के ऊपर हमला कर रही होती है। रिवर का भाई एक डॉक्टर था, इसीलिए वो सारे घायल लोगों की ट्रीटमेंट कर रहा होता है, लेकिन रिपर्स चारों तरफ इतनी गोलियां चला रहे थे जिसमें से एक गोली डायरेक्टली आकर रिवर के भाई को लग जाती है। रिवर ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और अब तो वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर अकेले ही चल पड़ी थी उन सारे आदमखोरों को मारने के लिए। यहाँ लेबोरेटरी में अब माइक और अलायंस ग्रुप के ऑफिसर के बीच एक घमासान लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ माइक पहली बार अलायंस ग्रुप के ऑफिसर के सामने डोमिनेट कर रहा था। माइक जब ऑफिसर से पहली बार हारा था तब उसने काफी ट्रेनिंग की उसके टेक्निक को समझने के लिए, इसीलिए माइक ऑफिसर को बेहोश करके तुरंत ही उस मशीन के पास आ जाता है जिसका यूज करके उसने लेडी के मैसेज को अंदर डाला और बटन दबाकर पूरी गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये मैसेज मिलने के बाद सभी को अलायंस ग्रुप की सच्चाई पता चल चुकी होती है। माइक ने देखा कि रिवर ने तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारे नरभक्षियों को मार दिया है, पर तभी रिवर के पीछे से दीवार तोड़ते हुए अलायंस की पूरी फौज आ चुकी थी। वो सब गन की मदद से माइक और उसकी टीम पर हमला करने ही जा रहे होते हैं। तभी उन सोल्जर्स को हाई कमांड से ऑर्डर मिलता है कि तुम इनमें से किसी को भी नहीं मारोगे। सभी लोगों को अलायंस ग्रुप की सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए अब कोई भी प्लैनेट अलायंस ग्रुप के अंदर रहना नहीं चाहता, और इन सारी चीजों के बाद सभी प्लैनेट जो अलायंस ग्रुप के अंडर काम करते थे वो अलग अलग होकर इंडिविजुअल प्लैनेट्स बन जाते हैं। यानी कि अब अलायंस ग्रुप का राज खत्म हो चुका है और वो किसी दूसरे प्लैनेट पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। माइक और उसके टीममेट भी पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे अपना सफर तय करने के लिए। माइक तो अपने सेरेनिटी स्पेसशिप को टीममेट्स के साथ मिलकर ठीक करता है और निकल पड़ता है अपने नए मिशन के लिए। ताज्जुब की बात थी कि माइक की टीम में अब रिवर और उसका भाई भी शामिल हो गया था जो माइक की अब हर काम में मदद करेंगे। और इस तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और एडवेंचरस कहानियों में, तब तक के लिए बाय।